नमस्कार, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप लोग सीएससी वेली हैं और सीएससी के जरिए पैन कार्ड का काम करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया जो आपको जानना जरूरी है। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर पैन कार्ड काम करते हैं सीएससी के जरिए तो आपको ज्यादा कमीशन मिलता है। नॉर्मली स्पाइस मनी या कहीं से भी आप करते हैं तो आपका 107 रुपया वॉलेट से डिडक्ट हो जाता है, लेकिन अब सीएससी से करते हैं तो आपको 97 पॉइंट समथिंग अपो करता है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ज्यादा बचत होता है सीएससी से करने से। तो हर कोई चाहता है सीएससी से करना, लेकिन अगर आप सीएससी से करते हैं तो एक बड़ा बदलाव हुआ है जो आपका जानना जरूरी है। क्या हुआ है, बदलाव कैसे करना है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, उसके लिए हम चले जाएंगे सबसे पहले सर्च बार में या फिर यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे यूटीआई। यूटीआई लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पैन कार्ड एंड ईकेवाईसी सर्विस यहाँ पे आ जाएगा, गवर्नमेंट सर्विस है। क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉपअप देखने को मिलेगा। पहले ये पॉपअप नहीं था, अब यहाँ पे देखेंगे डियर यूजर, ओटीपी बेस्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज गोइंग टू बी एनेबल फॉर पीएसए एडमिन एंड सब पीएसए टू लॉगिन इनटू एप्लीकेशन। द ओटीपी विल बी शेयर्ड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एज पर यूटीआई आईटीसीएल रिकॉर्ड। काइंडली वेरीफाई द सेम यूजिंग चेंज प्रोफाइल ऑप्शन। अगर आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कुछ भी जो दिया है पहले, वो अभी अवेलेबल नहीं है तो आपको जाके वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे नई ईमेल आईडी जो दिया है वो अवेलेबल नहीं, तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल सर्विस में जाके चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, जो ईमेल आईडी आपने दिया है, उसी पे ओटीपी आएगा जो लॉगिन होगा। पहले अभी ऑटोमेटिक लॉगिन ऐसे हो जा रहा है, डाइट डिजिटल सेवा में जाते हैं लॉगिन करते हैं लॉगिन हो जाता है, लेकिन अब ऐसा लॉगिन नहीं होगा, आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, उसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको चेंज करना है, तो चेंज करने के क्या करेंगे तो यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद आपको चेंज प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। चेंज प्रोफाइल जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल आपका आ जाएगा। आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेना है। अगर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपका अवेलेबल है तो फिर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है वो अभी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है। चेंज करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो भी है अपडेट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और आप लॉगिन करने जाएंगे, ओटीपी आएगा तो आपके मोबाइल नंबर जो अवेलेबल है उस पे आएगा, तो आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप लोगों का जानना जरूरी है। एंड आप लोग मोबाइल नंबर अपना ईमेल आईडी अपना अपडेट कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है। उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना। जय हिंद।